जब सैया हो कोतवाल फिर डर काहे का, ये कहानी अक्सर आपने किताबों में और आम बातचीत में सुनी होगी। इसका सबसे सटीक उदाहरण है सेठ अडानी और उनके चौकीदार मोदी जी की जोड़ी। ताजा खुलासा हुआ राहुल गांधी जी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिसमें उन्होंने यूके के सबसे फेमस अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से देश को कोयला के लुटेरों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री मोदी के सेठ गौतम अडानी ने इस बार कोयला के दामों में हेरफेर कर देश को लूटने का काम किया। दरअसल अडानी जी इंडोनेशिया से कोयला खरीदते हैं और जब वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है तो उसका दाम बढ़ा दिया जाता है। इस तरह से अडानी जी ने करीब 12,000 करोड़ रुपए सीधे हिंदुस्तान के नागरिकों की जेब से निकाले हैं। हमारी आपकी जेब से 12,000 करोड़ रुपए निकले हैं। लेकिन ताजुब की बात ये है कि अडानी जी के घोटाले के खिलाफ विदेशों में स्टोरी छपती है, लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती और ना ही कोई स्टोरी कवर करती है। अडानी को लेकर अलग अलग देशों में खुलासे हो रहे हैं, जांच चल रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान का लुटेरा इस बार कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि मोदी जी के सेठ अडानी हैं। इसीलिए सेबी सुप्रीम कोर्ट से कहती है कि अडानी मामले में दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं। तो फिर फाइनेंशियल टाइम्स को दस्तावेज कैसे मिल रहे हैं? साफ है, अडानी को सलाखों के पीछे भेजने की जगह उनकी रक्षा कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं।